मेरब मिबू उठ जाओ मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई है, चले चले उठें भाई, आप भी जल्दी शावर लें। मिबू उठे, मम्मा नाश्ता बनाने लगी। चलो मेरा बच्चा उठो उठो, स्कूल के लिए फिर देर हो जाएगी। चलो मेरा लाल। अच्छा जी, अभी चावल ही देते हैं चाय के साथ। बन गई चाय? हाँ चाय बन गई, साथ सैंडविच बना के ले जाते हैं ये, ठीक है ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए व्लॉग नहीं बना सके। तो ये छोटा बच्चा अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहा है, पता नहीं कोई ककम्बर वगैरह कटिंग कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है लगता है। क्या बना रहे बच्चे? सैंडविच। ओह माय गॉड। और ये इन्होंने अपने लिए अंडा बॉयल करने के लिए रखा है। अभी ये सैंडविच बनता है तो फिर आपको वो भी दिखाते हैं। भाई साहब तो जा चुके हैं स्कूल, छोटा बच्चा जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है कुछ। देखें जी, मीरब साहब ने अपना नाश्ता तैयार करने की कोशिश की है। सुबह सुबह बड़ा प्यारा लग रहा है, अंडा और खीरे सैंडविच बनाने की कोशिश की है। चलें जी चाय डाल दें जल्दी से। बाश वाओ जी, कैचअप जो भी लगाना आप जल्दी लगाइए, अब क्योंकि आपको स्कूल से जाने देर हो रही है। चले जी चाय बन के तैयार हो गई। बड़े मज़े का मेरे अपने नाश्ता बनाया है, वाओ। लें जी ये फाइनल इन्होंने अपने लिए सैंडविच तैयार किया है, बड़ा मज़े का। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अपना नाश्ता खुद बनाने लगी है, वेरी गुड शाबाश। चले अब आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करें, रेडी करें ताकि हम स्कूल जा सकें। बहना का यूनिफॉर्म रेडी कर लिया, अभी ये भी पहनाते हैं इसको, स्कूल तैयार करके भेजते हैं जल्दी से जल्दी। चलें बब्बू जी, बैग किधर है? बैग लेके आए, जल्दी पकड़ें। शाबाश वेरी गुड। उधर ना काली मिर्च भी पड़ी होगी, वो भी दे दें मुझे अंडे के ऊपर लगाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घरों में शाद होंगे। मैं उज़्मा आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ और आपके दरमियान फिर से हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से और अल्लाह ताला के रहम और करम की वजह से। तो आज से अपने व्लॉग का बकायदा से फिर आगाज़ कर रही हूँ। 15-16 दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अल्लाह ने सेहत दी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए, सुबह सुबह का वक्त है और मैं ऑफिस में ही हूँ। मीरब अभी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी है, भाई साहब जा चुके हैं और वो अपना जो है ब्रेकफास्ट खुद ही बना रही। तो मैंने कहा आप बनाएं, मैं ज़रा सलाम दुआ कर लूँ आप लोगों से। तो जनाब अली कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तकरीबन 17-18 दिन बाद। तो बड़े सारे मामलात हो गए, ज़िंदगी एक लम्हे के लिए बंदे की बदल जाती है जब भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी है कुछ भी आता है। तो ये बड़ा प्यारा, ये देखें जी पिंक सूट मुझे सिलाई करके दिया एक, इधर हमारी शैदा है बाजी बड़ी प्यारी, तो इसके बाजू बड़े अच्छे उसने बना के दिए हैं। कल मैंने पहना था तो लोग कह रहे थे कि बाजू बड़े अच्छे हैं। और अब्बू भी आ चुके हैं, और अब्बू का तो आपको पता जो काम है फौरी तौर पे बस सफाई सुथराई, सारा दिन ये ख्याल रखना। तो जनाब अली अभी अपने ब्लॉग का आज बाकायदा से आगाज़ करते हैं। आज मैंने अपने घर भी जाना है, कुछ कपड़े धो के लाने हैं, सफाइयाँ वगैरह उधर भी थोड़ी बहुत देखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रहूँगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मेरा ना दिल नहीं कर रहा घर जाने, तो मैं यहीं पर अभी रहूँगी। अभी आज घर जाते हैं, अभी इनको स्कूल भेज के फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर हम जाते हैं घर, उधर अपने घर जा के तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा घर में भी। और कैसे गुजरे आप लोगों के दिन? खुशखबरी भी आपको देनी थी कि सेकंड वाइफ जो है उनका न्यू बॉर्न बेबी आ चुका है। काफ़ी दिन हो गए, जिस दिन मैं बीमार हुई थी उससे एक दो दिन पहले आया था, वो भी आपको बताऊंगी कहाँ पे हैं वो और किधर रह रही हैं। तो मैं इधर स्कूल में क्यों, ये सारी डिटेल आज सारा दिन का ब्लॉग आपके साथ मैं
शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इनको नाश्ता करवा के चलते हैं। ये मेरी मैडम जो है ना मेरे लिए लेके आई है कबाब, और अब हम करने लगे हैं इसको फ्राई, और साथ हम आने कबाब हमने बॉयल चावल, और साथ वो दाल पड़ी हुई है। दाल कहाँ ले आए, फिर उसको भी गर्म कर दिया जी। दाल चावल दिखाया चूल्हा आहिस्ता किया, बस ठीक। चार एक टाइम में डालते हैं देसी अंडों के साथ। देसी अंडों के साथ कबाब वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। बीमारी से उठने के बाद देख ले मैंने खाने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बिस्मिल्लाह जी, देखे कितने मज़े के लगते। आज चले अबू चिमटा लेके आए, अबू जी चिमटा लाए चिमटा। चले इधर दे मुझे जी, खाए खाना आज। मुन्ना आप इधर आ जाओ, पापा को बैठ, चलो इधर दे दे बैठ जी। मेरो हम जा रहे हैं घर, नीरज ज़्यादा बैठी हुई है। जनाब घर आने के बाद कुछ घर की हालत यूं सी है, बेडशीट देखें उठाई हुई है, गंद पड़ा हुआ है, बर्तन धोने वाले हैं किचन में, किचन का अशर नशर, कमरे सारे घर का यूं हाल हुआ अपना। अभी सारा डस्टिंग देखें कितनी मिट्टी है, सारी अभी सफाई वगैरह करते हैं। ये वैसे लगे हुआ है बर्थडे का, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैं मशीन लगाने लगी हूँ, साथ साथ मैंने कहा कपड़े भी धोऊँ जल्दी जल्दी और सफाइयाँ भी करें। और हमारे घर का इतना बुरा हशर हो रहा है, ये देखें जनाब, ये कपड़े धो धो के ढेर लगे हुए। ये ऊपर का रूम है सेकंड वाइफ का, अब ये सारे कपड़े हस्बैंड साहब ने धोए हुए हैं, तो अब इनको मैं लगाती हूँ तय, उसके बाद सारी सफाई करते हैं। यह बिल्कुल साफ़ सुथरा, सफाई के पास अब घर की हालत कुछ यूं है। ज़ाहिर है फिर सफाई सफाई होती है। ये हमारा किचन प्यारा सा, ये भी साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, सब बर्तन फालतू वालतू संभाल दिए हैं। और ये कमरा भी देखें कितना प्यारा हो गया साफ़ सुथरा। तो अब हम जा रहे हैं बाहर साहब के पास वापस स्कूल, तो उधर चल के फिर आपसे बात होती है। यहाँ पे हो गया रात के खाने का टाइम, तो ये हमने चिकन और साथ ये दाल है साथ रोटी, तो हम खाने लगे हैं खाना। चलो जी मीबू जी मुन्ने को भी बुलाओ, शुरू हो जाए बिस्मिल्लाह पढ़े। चलो चले जनाब, मेरा बेडरूम है ये देखें, ये इतनी प्यारी सी मैंने ऊपर इसके रज़ाई बिछाई है, तो ये प्यारा सा बेड है हमारा, और ये दो सोफे यहाँ पे पड़े हुए हैं ये रखे हुए हैं। ये प्यारा सा बेड मेरा और मुन्ने का और मीरब का, यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो आज इसकी सफाई सुथराई की है,
अबू से मैंने कहा सफाई वगैरह कर दें मेरे साथ मिलके, मैंने अबू ने साथ एक दो लड़कियां और थी मिलके हमने अच्छा सा इसकी सफाई की। अभी मैं घर जा रही हूँ, बेडशीट लेके आती हूँ, फिर पिल्लो के ऊपर कवर भी जो है ना वो भी चढ़ाएँगे। तो फिलहाल मैंने ये जो रज़ाई लाए थे वही बिछाइए। कितनी कलरफुल लग रही है, अच्छी लग रही है ना, ज़रूर बताना आपने। बीमारी से उठी हूँ तो मुझे चीज़ें ही नहीं कुछ अच्छी लग रही, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये दीवार को ज़रा थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा किया है शीट लगा के, पहले से लगाई हुई थी लेकिन अब मैंने कहा प्रॉपर इधर रहना तो साफ सुथरा करें। जी व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा घर जाकर। आपको पता है घर कितना गंदा हो रहा था और सारी सफाइयाँ वगैरह की। बीमारी से उठने के बाद मुझे घर की सफाइयों का पड़ गया कि घर साफ़ करके आए। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था क्योंकि 17-18 दिन तो हो गए मैं घर ही नहीं गई। और जब बाहर साहब जाते हैं रात को सो के सुबह वापस आ जाते हैं, तो इसलिए घर का बहुत ज़्यादा काम था। तो थोड़ा गिर के चोट भी मैंने कमर में लगवा ली, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। वो फर्ज धो रहे थे, सर्फ था तो मैंने जूता नहीं पहना हुआ था इसलिए। और उनकी वाइफ का पूछ रहे थे तो सेकंड वाइफ का न्यू बेबी आ चुका है और वो बिल्कुल ठीक है। और उसको आए हुए भी आज 17-18 दिन ही हो चुके हैं, क्योंकि जब हमें डेंगू हुआ ना जब भी वो एक दो दिन पहले आया था, तो मैंने आप लोगों को बताना था, फिर मैं बीमार हो गई। तो बीमारी के बावजूद फिर वो आपको पता है इतने मसले कि हॉस्पिटल में एडमिट रही 10 दिन, होश नहीं है, कहाँ हूँ, मोबाइल किधर है, मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी तो मैं वापस आई हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो उनका बेबी आ चुका है, मीबू का, बहन के भाई, वो बाद में बताएंगे, लेकिन वो खैरियत से है, इस दुनिया में आ चुका है नॉर्मल। अल्लाह ताला ने उसको भेज दिया इस दुनिया में और जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए जिसकी भी हों, ये दिल से दुआ है। तो बेबी साहब इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और जब घर आएंगे तो फिर आपकी हो सकता है मैं मुलाकात भी करवा दूं। अभी फ़िलहाल जो है ना वो ससुराल में हैं, तो आपको पता वो जो छिले का जो मामलात होते हैं वो अभी उधर ही हैं, तो कल बताऊंगी। अब आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि भाई है या बहन, मीबू की बहन आई है छोटी या भाई आया है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो उसका नाम क्या रखा है वो भी बताऊंगी, और फेस रिवील तो उसका जब वो आएगा घर उसकी मम्मा के साथ लेके आएंगी तो फिर ही ठीक है ना। तो फ़िलहाल वो आ चुके हैं और अल्लाह ताला ज़िंदगी करे न्यू बॉर्न बेबी की सेहत, ज़िंदगी तंदरुस्ती वाली हो उसकी और खुशियाँ हों उसकी ज़िंदगी में, ये हमारी दिल से दुआ है। मीबू का छोटा बहन भाई है और मुन्ने का भी, तो अभी तक देखा तो नहीं है क्योंकि हम बीमार हो गए थे और जा ही नहीं सके। तो थोड़ा बेहतर होती हूँ तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं जनाब अली आज शौकत खानम में जा के, तो वहाँ पे भी देखते हैं क्या मामला है, क्या बना। मेरी रिपोर्ट्स आनी थी, उनका क्या हुआ, अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, वो फिर मैं जा ना सकी। डेंगू बुखार ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया है कि इतना ज़्यादा वेट कम हो गया, मैं पहले ही कमज़ोर थी और ऊपर से देखें डेंगू बुखार ने तो बिल्कुल ही मेरा हशर कर दिया, बिल्कुल हशर नशर किया। तौबा, अल्लाह ताला किसी को भी किसी भी बीमारी में मुब्तला ना करे, ये मेरी दिल से दुआ है। अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना करम करे, रहम करे, और अल्लाह ताला जो है ना वो सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। हम पढ़ते होते थे कि तंदरुस्ती 1000 नेमत है, तो वाकई ही तंदरुस्ती 1000 नेमत है, इसकी वैल्यू अब मुझे पता चली है। बीमार तो मैं थी, कोई बात नहीं, इधर जा उधर जा करते रहते थे, लेकिन तौबा अस्तगफार, इतनी मुसीबत जो डेंगू की मैंने उठाई, 10 दिन यकीन कीजिए मुझे होश नहीं आई कि मैं कहाँ पर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बख्श दी, मेरे बच्चों का सदका, मेरे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, मुझे अपने लिए अब जीना है। पहले मैंने 20 साल नहीं जिया, सिर्फ एक ज़िंदा लाश बन के ज़िंदगी गुजारी, बड़े सारे मामलात को फ़ेस किया, सब्र के साथ चली, लेकिन अब मुझे जीना है, अब मेरा जीने को दिल करता है। आप यकीन मानिए, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो जब भी मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे तंदरुस्ती दे दे, मुझे सेहत दे दे, मैंने खुद से भी दुआएं मांगी और आप लोगों की जो दुआएं थी वो रंग ले आई।
तो मुझे अपने बच्चों की खातिर अब जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, उनका भी हक बनता है। मैंने इतनी दुनिया का इतना कुछ किया, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के मुझे साथ की ज़रूरत भी रहेगी। प्लीज़ रेड सा जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया होगा। मैं आप लोगों की एहसान मंद रहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करना ही होता है। जब आप मुझे मेरी वीडियोस देखेंगे उससे मुझे अर्निंग आएगी, मैं अपने बच्चों पे खर्च करूँगी, मैं अपने इलाज पे खर्च करूँगी, तो दिल से दुआएं निकलेंगी। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सारी मेरी दुआएं दिल से और अब्बू की दुआएं आप लोगों के लिए। तो ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और किस तरह मैंने मैनेज किया। न्यू मेरा बेडरूम आपको कैसा लगा, उसी पर बैठी हुई हूँ बेड पर अब, तो न्यू बेड कैसा लगा, और घर साफ़ किया आज का व्लॉग, खाना कैसा लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला शौकत खानम से होके आती हूँ, फिर आपको कल बताऊँगी व्लॉग में कि क्या हुआ, उन्होंने मुझे क्या कहा है, अब दोबारा कब मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी वीकनेस मुझे बहुत हो गई है, वो अब वक्त के साथ ही ठीक होगी। तो तहे दिल से शुक्रिया, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और जो आपने की दुआएँ उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर हो। कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से हाज़िर होंगे, जब तक देर ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।